गाइस गाइस सो वेलकम टू माय अनदर वीडियो और आप देख रहे हैं कितना अच्छा सुहाना दिन माइनक्राफ्ट में तो गाइस मैंने कुछ बनाया है तो मैं आपको सरप्राइज देना चाहता हूं 3 2 1 थ्री माय गॉड घर मैंने ऐसे टेम्परेरी बनाया है पर तब भी बहुत सुंदर बनाया है ये देखिए मैंने इतनी मेहनत की पूरे चार दिन में इतनी मेहनत की इतनी मेहनत की कि पहले पूरा ये खोदा फिर नीचे का खोदा और नीचे खोदते खोदते थोड़ा बहुत कोल वो ला रहे वायरें तो बहुत ही मिली और ये मैंने पेड़ लगाया है देख सकते हैं कितनी मुश्किल से घर बनाया ये बॉर्डर देखिए ये मैंने नहीं मैंने लगाया नहीं खोदा है पूरा इतना एरिया कितनी मेहनत की है चिकन चिकन और पिक फार्म भी बनाऊंगा पर यहाँ नहीं ये यह मेरा टेम्परेरी हाउस है टेम्प्रेरी हाउस समझ रहे हैं ना टेम्प्रेरी हाउस देखिए कितना सुंदर बना है देखिए डोर्स ये सारे नॉर्मल मटेरियल से बना है हाँ बस ये जो आगे स्टोन देख रहे हैं ये थोड़ा सा और सब कुछ वुड और कॉबल स्टोन से ही बना है बस और ये इतना महंगा कर नहीं और नीचे हाँ जैसे कि मैंने बोला था वुड और कॉबल स्टोन से बना है ये बैरल है बैरल की रेसिपी होती मुश्किल नहीं होती बस कुछ चीज़ें चाहिए होती वुड से और स्टिक से बन जाता है देखिए बैरल हाँ बस दो आधी आधी स्लैब चाहिए वुड की स्लैब ये देखिए ये मैं एंट्रेंस है और इंट्रेंस दिखाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ करना चाहता हूँ बताना चाहता तो हूँ मैं गया था खुदाई पे नीचे सो so गाइस आप सोच नहीं सकते मुझे क्या मिला खुदाई में मुझे मिले छः पूरे के पूरे डायमंड्स जो एकदम आसानी से नहीं मिलते ये छः डायमंड्स हैं आयरन तो खूब मिला और गोल्ड भी थोड़ा बहुत मिला और ये लैपस लजुलगर रिज स्टोन इतनी सक्सेसफुल वो हुई थी ना कि मैं बता नहीं सकता मतलब मुझे डैमेज मिल गए अब मैं तो बहुत प्रोग्रेस कर रहा हूँ इतनी जल्दी प्रोग्रेस हो रहा है सोच नहीं सकता ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है ये देख रहे हैं इधर बैरल्स लग गए एक क्राफ्टिंग टेबल है और एक चेस्ट है और यहाँ थोड़े फर्नेस हैं और दो चेस्ट लगी हैं ऐसे ही डिज़ाइन के लिए और एक ये भी और अब आप लोग अब तक सेकेंड फ्लोर दिखाते हैं ये है हमारा सेकेंड फ्लोर ये है हमारा बेडरूम और यह है आर्मर रूम इधर मैं सोच रहा हूँ जब वो आएगा तो मैं यहाँ वो रखूँगा क्या कहते हो उसे मैं भूल गया हाँ एनअल रखूँगा एनअल की रेसिपी पता नहीं बाद में पता कर लूँगा नहीं सामने रखा तो एनवल मतलब क्राफ्टिंग टेबल अब एनवे देखते हैं क्या रेसिपी है हाँ आराम से बना लूंगा मैं तो अभी बना लूँ आर्यन इतना सारा ढेर सारा बना मतलब पड़ा है यह है हमारा बेडरूम और ये गए और दो बुक शेल्फ मिली बनाई है क्योंकि मेरे पास थोड़ा बम्बू था और लेदर भी थोड़ा था क्योंकि गैया को मार मार के कर दिया था और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ हमारा बेसमेंट बेसमेंट मैंने एकदम मतलब बहुत ही सुंदर बना है ये ग्लास का ये सेंट से बना सेंट को फ्लेम उसमें उस रख दो फर्नेस में तो बन जाता है ये देखिए इतना मतलब तबाही वाला बनाया है कि जितना भी माल पानी है सब यहाँ रखो और ये जो ये सारे हैं ना ये मैंने डिज़ाइन के लिए बनाया तीन गेस्ट और ये फंडस और मैं अभी यहाँ भी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ छोड़ो इसे बाद में दिखाऊँगा अटक गया ग्रेवल से ऊपर चलते हैं चलो हम ऊपर आ गए हैं चलो बेसमेंट और हाँ एक और चीज़ ये मत कहना सारी ज़्यादातर चेस्ट खा ली है मज़ाक कर रहा हूँ थोड़ी बहुत भरी हैं पर बहुत सारी कभी भी खाली है ये देखिए ये सब मैंने कलेक्ट किया है सो so गाइस अब हम लोग ऊपर चलते हैं ऊपर ये है अरे ये तो दिखा चुका हूँ चलिए गाइस हम लोग अब बाहर चलते हैं ये हम बाहर आ गए और चलिए अब क्या दिखाना है वीडियो ख़त्म करते हैं मजाक कर रहा था अभी क्यों ख़त्म करेंगे हम सोच रहे हैं कहाँ क्या करें एक फार्म बना लेते हैं मेरे पास गाजर वाजर कुछ है अरे वाह घोड़ा मेरे पास साइडल है शायद हाँ मुझे लगा ही था मेरे पास साइडल है काम करते हैं चलो छोड़ो वीट होता तो वीट से इसे बुला लेते तो मैं दोस्त क्यों नहीं बन रहा हाँ बन गया दोस्त बन गया चलो अब रोक भी लग गई अरे यार अटको मत कहाँ जाना है हमारा घर कहाँ है मैं भटक्का नहीं हूँ नहीं ठीक है हमारी लाइडर्स अब तुम कहीं भी भाग नहीं सकते क्योंकि तुम यहाँ यहाँ मैंने एक दिन पहले लामाज देखी थी और एक गायब रेडर पता नहीं कहाँ गायब हो गए मैंने देखा तो था मुझे याद है चलो गाइस अब क्या करें घोड़े तुम यही रहोगे ये बात में मुझे इस पर यकीन नहीं रह लेगा तुमने मेरी सैडल ली है समझे क्या ली है सैडल तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा भागने की कोशिश की तो तुम्हें वहाँ जा मारूंगा। मारूँगा और तुम्हारा तो कोई नाम भी नहीं मैं साइडल मत लेना बता रहा हूँ ये ऐसे नहीं मानेगा थोड़ा इस साइड ले जाता हूँ कि इसे थोड़े चांसेस कम हो जाए इसके भागने के कोल भी सामने है। ये देखिए कोल। कैक्टस वापस रखना पड़ेगा अच्छा खासा वो बन गया ये गाइस ये मेरा टेम्प्रेरी हाउस है चिंता मत करिए मैं इतना सस्ता हाउस नहीं रखूँगा सो so गाइस मैं अभी क्या करूँ सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग सो गाइस मैंने कैक्टस उसकी जगह पे रख दिया है अब चलिए रात भी हो गई है तो हम एक काम करते हैं जोम्बिस मारने चलते हैं जोम्बिस से थोड़ी बहुत एक्स भी मिलती है नहीं उससे पहले एक बड़ा काम करते हैं हम वो बनाते हैं ऑप्शीडियन पहले वो उसकी मैं उसका समान बनाऊँ पहले इन्हें रख देता हूँ मतलब इन्हें फर्नेस में डाल देता हूँ ले लेता हूँ ये कोल ले लिया और थोड़ा इसमें थोड़ा सा इसमें चलो इतना पर्याप्त है अरे मैं भी ना आठ यहाँ बना लेता हूँ और अरे मैं भी खरीड़ रहा हूँ मैं इनपुट में डाल रहा हूँ यहाँ चलिए ये तो बनते रहेंगे अब हम लोग अपना मेन सामान बनाते डायमंड्स का ये रहे हमारे डायमंड कितने तो सुंदर लगते हैं ना जब डायमंड मिलता है अरे बॉपरे बैरल नहीं बनाना हमें डायमंड का सामान बनाया डायमंड चलिए हम पिकैक्स बनाएंगे पिकैक्स और स्वॉर्ड कवर तो मैं अभी शील आयरन के सामान से हुआ वो अभी आगे थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे मतलब अभी मैंने बहुत वो किया है एक मतलब बस तीन डायमंड मिल जाए आप बना सकते हैं हाँ ये फिशिंग रॉड भी बनानी है और एक तलवार यस बहुत ज़्यादा अचीवमेंट इस मैच में किया अगर कहीं लावा में मिल जाए तो मैं बकेट बकेट भी बना लेता हूँ बकेट आयरन मिला थोड़ा सा पाँच यहाँ एक दो मिल गया हाँ अब इनके बकेट्स बना लेते हैं फिर पानी ले लेते हैं बकेट्स एक दो तीन बकेट्स भी बन गए फिलहाल इधर रख देता हूँ बाद में पानी तो बहुत है और अब लोग को अभी वो भी बनाना है आयरन है पर्याप्त उसमें सारा आयरन उसमें डाल देता हूँ क्योंकि मुझे वो बनाना है अभी और भी सामान बनाना है इसमें नहीं गोल्ड भी बन ही गया है इसका क्या फोर्टी नाइन फिफ्टी कहाँ डालें इसी में डाल देते हैं फोर्टी वन बनता रहेगा चलो देखते हैं थोड़े ब्लॉक ऑफ उसके बना देते हैं लॉक ऑफ आयरन एक दो तीन तीन बन गए यस हम एनअल बना सकते हैं थ्री टू वन एनअल बन गया रेडी हमारा एनुअल ये रहा हमारा चलिए इसे ऊपर रखा के आते हैं एकदम यहाँ हम यहाँ अपने वो इक्विट रखेंगे और मैं सोच रहा हूँ यहाँ दो चेस्ट रखूँ ये जैसा कि मैंने बताया है आर्मर रूम है तो इसमें मैं इन्चैटमेंट का नहीं सामान रखूँगा वो बेसमेंट में ही रख दूँगा बेसमेंट में मैंने जितनी भी खुदाई वुदाई किया सारा सामान इसमें रखा है ज़्यादातर मुझे खुद भी नहीं पता कहाँ रखा है चलिए ऊपर चलते हैं चलिए के अंदर देखते हैं अरे यार चलिए हम बकेट भी ले, ले लेते हैं एक दो नहीं तीन पूरे लेते हैं बकेज बहुत ज़रूरी होते हैं दो और बना देते हैं बस सुबह कर लेते हैं सो जाते हैं जल्दी से फिर अगली सुबह मरना फैंटम्स आके मारने कि फैंटम्स आपको पता है कि फैंटम्स हमें अच्छी आदत सिखाता है कि हमें सो जाना चाहिए रात में जगना नहीं चाहिए बारिश हो रही है कोई बात नहीं बारिश में हम निकलेंगे निकले हैं बारिश आपको बिल्कुल भी पकाऊंगा नहीं तो पहले मैं लावा ढूंढ लेता हूँ उसके बाद ये क्या आपको एक और चीज पता है ये स्पाइडर देख रहे हैं रात में तो एकदम भड़क जाती है अगर इसके ऊपर यहाँ अगर इसे कोई बोले ना तो ये बिल्कुल भी नहीं मारती मेरे पास डायमंड के स्वाद है एक मुक्के में मर जाऊंगी बता हिम्मत तो देखो देखो चौड़ में पूरा घूमूंगा मेरे पास डायमंड का सामान आ गया है ये एक गुफा है अबे अब यार है फालतू मैक्स भी कोई बड़ी गुफा है ख़त्म बस इतनी बड़ी बनाते हैं गुफा वाह टॉर्च नहीं बना सकता कोल वोल मिलेगा प्लीज और कोई ये तो वो आ गया मछली मछली जल की रानी है एक मछली पकड़ के तो जाएंगे ही एक मछली बस आ गई मछली चलिए अब ऊपर चलते हैं बिना किसी बकवास के और मुझे लगा था कोई बड़ा सा गड्ढा वड्ढा होएगा इतना बड़ा गड्ढा है पर ये तो बिल्कुल बेकार निकला चलिए अपने घर ही चलते हैं देखिए दूर से कितना अच्छा लग रहा है एकदम लग रहा है कोई प्राइवेट जगह है मैं तो तेज़ भागने लगा कोई बात नहीं एक्सपी भी, भी जाती रहती है खाना वाना खा लेता हूँ आलू वालू चलो अब एक्सपी बढ़ती जाएगी एनअल भी हो गया है अब क्या चाहिए मेरे पास इतना सारा सामान है महंगा सामान यहाँ और ये भी टूटने ही वाला है कोई एक काम कर देते हैं इसे जोड़ देते हैं ना एक्सपी बास पी का भी तो कुछ यूज़ हो वरना अभी मैं मर जाऊँगा तो सारी एक्सपी चली जाएगी ये किया ये लीजिए ये लीजिए और कुछ ठीक करना है बस अब अपना वो नीचे रख देते हैं कहाँ गया मैं सोच रहा हूँ सोने का एक पैंट बना देता हूं नहीं छोड़ो पहले लावा ढूंढता हूं लावा 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 की खोज पे निकले हैं पानी में तो मुझे नहीं लगता लावा मिलेगा पर ये बैम्बू मिल जाएंगे इन्हें अलग लगा देते हैं जल्दी उगेंगे तो आ जा वैसे भी हमारे ही काम आएंगे क्योंकि हमारे अलावा तो कोई आएगा नहीं इस वर्ल्ड में यहाँ कचौड़ी खाने चलो अब ऊपर चलते हैं विलेज बहुत बहुत घर अच्छा लग रहा है ना मुझे लावा चाहिए लावा नहीं मिल रही समुद्र दिख रहा है बहुत बड़ा सा अच्छा है ना समुद्र के पास बनाया अपना घर आइस भी दिख रही है आखिरी घर मेरा इसी आइस के पास था पर मैंने सोचा यहाँ नहीं बनाते हैं मैं सोच रहा हूँ यहाँ एक बड़ा सा कैसल बनाएंगे एकदम शान लगेगा शान एकदम बड़ा सा देखिए कितनी बड़ी जगह पूरी जगह को यूज करेंगे और बनाएंगे एक चलो डॉल्फिन वाल्फिन को कुछ एक दो तो मछली खिलाते हैं वो फिर हमें ट्रेडर तक ले जाएगी कोई है डॉल्फिन्स तो नहीं दिख रही टायरेंट मेरी मैं तो गया मैं गया मैं गया, मैं गया मैं गया 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 नहीं बच गया मैं अपने गोल्डन की स्वॉर्ड निकालने में चक्कर में अभी मर जाता चलिए तो वो पका रहा हूं आप लोगों आप को आपको लो, आपको भी लगता ही होगा पका रहा है, है फालतू में तो so गाइस ये क्या है ये कुछ अलग सा है कोल भी है कोल ले लेते हैं देखना कितनी जल्दी जल्दी तोड़ेगा दो तीन और तो ज़रूरत है नहीं इसे तोड़ लेता कुछ नया है नई नई चीज़ें लेता रहा करो ये क्या है काबल स्टोन मिला इससे ये क्या है फालतू इसे तोड़ते हैं तो काबल स्टोन मिलता है सी एसली मैं पहली बार इसे तोड़ रहा हूँ अभी पानी में तोड़ूँगा तो आधे से ज़्यादा घंटा ही लग जाएगा जल्दी बहुत सारा कोल ले लिया एक डुबकी लगाते हैं फिर सारा कॉल मिल जाएगा चलिए अपने विलेज वापस चलते हैं कोऑर्डिनेट्स हाँ याद है मुझे कॉर्डिनेट्स मजाक कर रहा हूँ वापस वीडियो देख के वहां पहुँच जाऊँगा मैंने देखा था यहाँ एक विलेज था विलेज से पहले तो एक गड्ढा दिख रहा है चलिए मैं पागलों की तरह ऐसे नीचे गिरा जा रहा हूँ गिरा जा रहा हूँ नहीं बचा बहुत भयंकर वाली आवाज़ आ रही है टॉर्च बना लेता हूँ एक ही टॉर्च है मेरे पास नहीं बाईस है तो, तो बेस आगे रखता हूँ मुझे कुछ आवाज आई थी कहा मुझे लावा मिल जाए एक मोटा सा कुल -बुल बार वापस आते हुए ले बड़ी जगह है धीरे धीरे टॉर्च यूज करता हूं आयरन है आयरन तोड़ लेता हूँ डायमंड की पिकैक से चिंता करने की कोई बात नहीं मुझे लगता है यहाँ स्पॉनर है टी एन टी होता तो मजाती फोड़ता जाता ये ये और आरेन है। आरेन तो बहुत है चलो वापस चलते हैं स्पॉनर लग रहा है मुझे यहाँ है हाँ पक्का स्पॉनर है तो ज़ॉम्बी कैसे स्पॉन कर रहे होंगे मर जा मर जा मर जा जल्दी मर चलो मर गया खाना वाना खा लेता हूँ स्पॉनर है यहाँ यहाँ लाइट चल रही है अरे ये तो मैं घूम पे रख स्पॉनर ये टॉर्च ले लेता हूँ मेरे पास टॉर्च की कमी है ऊपर और जगह है वाह यहाँ भी आयरन देखा इतने सिंपली से आयरन मिल जाता है मतलब आयरन मुझे मिलता ही रहता है मुझे एक बार ढूंढने जाता हूँ तो मुझे इतना सारा मिल जाता है इतना सारा मिल जाता है अगली बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती ओबे गोल्ड में मिल गया वाह गोल्ड थोड़ा बहुत कम मिलता है पर मिलता रहता है देखिए एक बार में चार ब्लॉक मिल गए अबे ये मेरे पास आके मारेगा मतलब फुल चौड़ में मार रहा है कौन से कोऑर्डिनेट्स पे बी अरे मैं इतनी जल्दी बीस के कोऑर्डिनेट्स पे आ गया और गोल्ड देखा हमें हम हमसे सी को कैसे खेलते हैं मजाक कर रहा हूं वो तो चांस पे है ना टॉर्च लगाता हूँ ख़त्म केफ़ टॉर्च मेरे पास बहुत कम है इसलिए मैं वापस ले लेता हूँ मतलब कोल तो बहुत सारा ले लूँगा पर टॉर्चेस की तो कमी है मतलब वो वुड की वुड वोट थोड़ा लाना चाहिए था हल्की सी स्पेस कोल वोल है बस टॉर्च कम है तुम भी आ जाओ वापस लावा चाहिए लावा नहीं मिल रही पहली बार इतनी ख़तरनाक आयरन मतलब इतना सारा आयरन मिल रहा है भर के ले लो हमारी माइनिंग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल जा रही है मेरी हमेशा सक्सेसफुल जाती ही रहती है बताओ और आयरन है अब तो ऐसा लग रहा है कि आयरन की जरूरत ही नहीं है इतना सारा मिला जा रहा है और मिलता जा रहा है मिलता जा रहा है मतलब मिलता ही जा रहा है अरे मैं थोड़े कॉबल स्टोन भी मुझे लगता है यहीं स्पॉनर है आई एम प्रिटी श्योर मेरे पास शील्ड है अबे भक बे मैं ऐसे मार दूंगा अंदर चलते टॉर्च आयरन वापस फालतू में टाइम नहीं वेस्ट करते अंदर चलते हैं लो मुझे रेड स्टोन मिल गया जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ गाइस मुझे आयरन मतलब ये रेड स्टोन के साथ मैंने ये ध्यान ही दिया यहाँ तो वो भी है ऑब्सीडियन तो इसे तोड़ने में बहुत टाइम लगता है एक तोड़ के दिखा देता हूँ टूटता है डैमेज से ये बस डैमेज से ही टूटता है और किसी पर कैक से नहीं टूटता चलो एक तोड़ लिया सारा ले जाऊँगा इसकी बहुत पड़ पड़ती आईज मैंने दो तीन तोड़े नीचे लावा थी तो मैं मतलब मैं तोड़ रहा हूँ तो वो लावा में जा गिर रहा है नीचे लावा है देखिए अरे ये बच गया यहाँ मतलब नीचे लावा है अगर मैं पानी की सप्लाई बंद कर दूँगा मैं पहले सोच रहा था जल्दी जल्दी तोड़ लेता हूँ पानी की सप्लाई बंद कर देता हूँ पर नहीं कर सकता नीचे लावा है अरे अभी मैंने ये तो तोड़े थे तब तो लावा लावा आ रही थी पता नहीं क्या इसका मामला है तोड़ता रहता हूँ फालतू में नोटिंग की नहीं गाय यहाँ है लावा नीचे अभी कुछ तोड़ के दिखाता हूँ रुको ये वाला नीचे तोड़ता जाता हूँ अबे अभी मैंने वो तोड़ा ऑब्सीडियन तो तो लावा निकला ऑब्सीडियन भी चला गया ये देखिए देखा आपने बत्ती जली और की आवाज़ आई वो लावा पे ही होता है मतलब वो ऑक्सीजन जाके जल गया कुछ कुछ मिल रहा है चलो दस बहुत होते हैं पर हम लोग थोड़ा और तोड़ लेते हैं नहीं यार उतनी ज़रूरत नहीं है वापस चलते हैं आयरन वायरन ले लेते हैं टॉर्चेस सो इस मैं सोच रहा हूँ बारह की कोऑर्डिनेट्स पे आए बारह तेरह की कोऑर्डिनेट्स पे तो डायमंड्स भी ले लेते हैं बताइए बारह की कोऑर्डिनेट्स पे कुछ ही गुफा जाती हैं ज्यादातर तो ये ले लो लोनर है मुझे सौ की आवाज आ रही है एक बार नीचे खोदते हुए जाते हैं बारह से नीचे नहीं पाँच छोड़ो वापस चलते हैं ऊपर कोई स्पॉनर होएगा पर उसके बगल में एक चेस्ट मिलती है ना वो भी नहीं कृपा दत्ता फट गए और हमें ही मदद कर गए फटे तो बहुत टेस्ट थे स्पॉन हो रहे हैं ना क्रीपर छोड़ो यार ये मैं बहुत अमीर हो गया हूँ अब आयरन वायरन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती ना वो जॉम्बी विलेजर भी कुछ भी स्पॉन हो रहा है वो है मेरे पास है एरो एरो भी है क्रीपर चलिए आप फट ही जाइए उबी ओभी तो मैं मर ही जाता नहीं मर जाना चाहिए था पता नहीं क्या हुआ कि मैं जिंदा बच गया मेरे पास टॉर्च खत्म होने वाली है मुझे लगता है वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास टॉर्च नहीं बची बिल्कुल भी यहाँ है कुछ आयरन है ले ही लेते हैं मुझे तो एक आयरन का फार्म खोलना चाहिए इतना सारा आयरन है कि पाँच दस पंद पूरे प, पचास पचास इसके बदले दो डायमंड दो तो स्पॉन तो रहे हैं वो चलाते हैं बहुत कम चलाता हूं ना चला गया यार। चला गया अरे चलो देखते हैं कहाँ है और टॉर्च लगा लेता भले ही ना हो मेरे पास लास्ट चांस है यहाँ देखते हैं खत्म गुफा खत्म बस एक कैसे गुफा तो मस्त थी मुझे थोड़ा बहुत ऑक्सीजन भी मिला आयरन तो भर भर के मिला और अभी भी मिल रहा है तो सारा आयरन मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और गाइस आज की वीडियो यहीं खत्म कर देते हैं थोड़ी सी बड़ी बनी वीडियो कम से कम हाँ हल्की बड़ी बनी है शवल ले आना भी मैं भूल गया कोई बात नहीं वापस ऊपर चला जाऊँगा आराम से सो so गाइस आज की वीडियो यही एंड करते हैं प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी करिएगा मुझे लाइक सब्सक्राइब like, और कमेंट जरूर करिएगा अगर वीडियो शेयर कर सकते हैं तो वीडियो भी शेयर कर देना सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग क्या पहले अच्छा चलो छोड़ो